हे गाइस, माय नेम इज सनप्रीत सिंह एंड यू आर वॉचिंग डिजिटल भंगड़ा पैशन। सो गाइस, ये हम आ गए अपनी ऑडियो कंप्यूटर स्क्रीन में और आप देख सकते हैं ये है मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन। मैं दो ऐप्स वो करता हूँ, एक आइसक्रीम वीडियो एडिटर, एक VSDC फ्री एडिटर। दोनों एडिटर फ्री है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। बिगनर्स के लिए आइसक्रीम वीडियो एडिटर ज़्यादा बढ़िया है बिकॉज उसमें ना फाइन वर्क है और मैं वही बताने जा रहा हूँ आज आइसक्रीम वीडियो एडिटर्स में मेन मेन स्टेप्स। तो ये रहा, यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, मैं इसको बंद कर देता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ आए। इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, यहाँ से भी हटा देता हूँ। हाँ जी, तो आप जैसे ही खोलेंगे ऐसा इंटरफेस आप पे कुछ आएगा, ऐसा इंटरफेस आएगा और इस ऐसे इंटरफेस में लग रहा है ना फाइन वर्क, तो यही इसलिए ये मैं बता रहा था ज़्यादा अच्छा है। अब अगर आपको करना है वीडियो को डालनी है इधर, तो आप कैसे डालेंगे? ऊपर ऐड फाइल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा मीडिया के, एकदम मीडिया वाले ऑप्शन में ही ऐड फाइल्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको वीडियो निकालनी है, जौन सी भी वीडियो आपको चाहिए। ये रही मेरी वीडियो, इसको मैं ओपन करके इधर डाल देता हूँ। ये 10 से 15 सेकंड लेगा इंपोर्ट करने में, ये इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप लिखा है यहाँ पे, ड्रैग एंड ड्रॉप इमेजेस हेयर, मैं इसको कर लूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप, देख सकते हैं। और ये बता रहा है आपको इधर डालनी पड़ेगी पहले, आप ये बताएगा कि आपको इधर ही डालना है। और अब चालू करेंगे वीडियो को, तो ये देख सकते हैं ये वीडियो थोड़ी ऐसी है जो टकती है थोड़ी, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे जाएंगे, ये है ठीक है। अब मेरे को पहले वो, अब मेरे को ऑडियो डालनी है, तो ऑडियो डालनी है उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐड फाइल्स जहाँ पे हमने पहले किया था वहाँ पे जाएंगे। और कहाँ पे है हमारी वीडियो म्यूज़िक, उसको डालेंगे। मेरे को ये चाहिए, ये अब यहाँ पे आ गया, अब इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। अब ये दिखाएगा आपको यहाँ पे डालना है ठीक है, यहाँ पे डालना है। अगर आप इसको यहाँ डालना चाहते हैं तो यहाँ ये डलेगा नहीं, डलेगा तो यहीं पे डलेगा वरना कहीं नहीं डलेगा यहाँ पे। अब देखिए ये ना म्यूज़िक के साथ चलने लग जाएगा। जी आप सुन सकते हैं वीडियो अब उसमें ही चल रहा है, सॉन्ग के साथ चल रहे हैं। अब अगर मैंने टेक्स्ट ऐड करना हो तो उसे कैसे करेंगे, हम पहले वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और नीचे ऑप्शन दिख रहे होंगे, टेक्स्ट फिल्टर क्रॉप ट्रेम ऑडियो जनरल, आपको जाना है टेक्स्ट पे और यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेना है। जैसे मेरे को लिखना है फ्लावर अब ये लिख दिया, यहाँ पे भी आ गया। अब आपको टेक्स्ट के आगे कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे दबाएंगे तो आपको कौन सा कलर चाहिए। अगर मेरे को रेड चाहिए तो रेड, अगर मेरे को कोई भी चाहिए जैसे मेरे को ये चाहिए, ओके कर दूंगा तो ये कलर आ जाएगा। अब अगर पोजीशन करनी हो तो इसको दबा के तो ये ऊपर नीचे हो नहीं रहा है बल्कि वीडियो प्ले हो गई, तो अब क्या करें, अब क्या करेंगे हम, जो ये पोजीशन दिख रहा है ना इस पे आपको अलग अलग टाइप के बॉक्सेस दिखेंगे। अब अगर मैं इस बॉक्स को इधर कर दूंगा तो ये भी इधर आ जाएगा, इधर कर दूंगा तो इधर, इधर तो इधर। अब मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ पे तो मैं यहीं पे लग दूंगा। अब साइज़ में देखें तो साइज़ में ये इतना बड़ा हो जाएगा, कम छोटा करना तो इतना छोटा हो जाएगा, मेरे को ये सही लग रहा है तो मैं इतना ही रख दूंगा। और स्पीड जैसे मैंने 2x कर दी तो x2 कर दी तो यहाँ पे ये आते ही हट जाएगा, ये जैसे आई और हट गई। अगर कम कर दूंगा तो कम में जाएगा, ये मैंने कम कर दिया, इसको शुरू से लगाता हूँ। अभी आराम से जाएगा, ये देखो अभी तक हटा नहीं, तो ये अब धीरे स्पीड में जाएगा। अब मैं अगर वन, अब मेरे को अगर
क्रॉप करना है वीडियो के फ्रेम को, तो मैं इस पे जाऊंगा। और अगर आपको ब्लर्ड भी हटाना है ना पीछे, तो इसका भी ऑप्शन है। यस है, मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं ये करूँगा। यहाँ पे साइज आएगा स्केल टू फिट और क्रॉप। आपको क्रॉप पे जाना है, फिर आप ये बता सकते हैं आपको कितना चाहिए। ठीक है ना, इतना चाहिए इतना मिल जाएगा, इतना चाहिए इतना मिल जाएगा। मेरे को स्केल टू फिट में क्या है, ये अपने आप ही फिट कर लेगा, पूरा कर देगा। ठीक है, बस बाकी ये जो है ये ज़्यादा है। और आप जनरल में जाएंगे तो इसकी ब्राइटनेस वगैरह दिख जाएगी आपको। ब्राइटनेस ज़्यादा करेंगे तो इतनी, कम कर देंगे तो इतनी। वैसे कम में ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं कम में ही रखता हूँ। कंट्रास्ट में देखा जाए तो कंट्रास्ट भी इतना अच्छा लग रहा है 100। सैचुरेशन, ह्यू, स्पीड वगैरह तो आपके ऊपर है। रोटेट, रोटेट से आपको इधर करना है, इधर करना है, याद आएगा। फ्लिप से आपको इस साइड को करना है, इस साइड को, साइड को ऐसे ऐसे। रिवर्स करेंगे, रिवर्स पे दबाना है तो आप रिवर्स भी चला सकते हैं। डन कर देंगे, फिर इसे हम कर देंगे ऐसे, ये चलाएंगे तो ये देखिए अभी हमारी वीडियो चलने लग गई है। अब हमें अगर वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको एकदम ऊपर कॉर्नर में जाके एक्सपोर्ट वीडियो का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर दबाएंगे। और ये आपका एक्सपोर्ट वीडियो की थोड़ी फाइल नेम, जैसे मैंने फाइल नेम लिखना है इसका, ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल लिख दिया। अब कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप वगैरह में, डेस्कटॉप में ही जैसे करूँ। अब ये सब आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह, क्वालिटी आपको हाई अल्ट्रा कैसी, मैं मीडियम ही रखता हूँ क्योंकि मीडियम में काफ़ी अच्छा लगता है। एक्सपोर्ट में कर देंगे। और इसके अंदर ये खास बात है, आप जो ये नीचे ऑप्शन देख रहे हैं शट डाउन पीसी आफ्टर फिनिश, अगर आप इसको दबा देंगे तो आपका जब ये जैसी ये आपकी पूरी हो जाएगी एक्सपोर्टिंग, तो अपने आप ही आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। बस आपको स्विच ऑफ करना है, बस बाकी अपने आप ही करेगा। तो अब ये हो रहा है और अभी ये आएगा, वीडियो क्रेडिट, कॉन्ग्रेचुलेशन योर न्यू वीडियो वॉज क्रिएटेड एंड रेडी टू सबमिट। अगर आपको यूट्यूब में डालनी है तो यूट्यूब में दबा दे, ड्रॉप बॉक्स में तो ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव तो गूगल ड्राइव, ओपन करना है तो फोल्डर ओपन। इसको मैं बंद कर देता हूँ, मिनिमाइज कर देते हैं। अब ये रही मेरी वीडियो आ गई है यहाँ पे, अब मैं इसे ओपन करता हूँ। देख सकते हैं वीडियो अपलोड होके आ रही है, देख रहे हैं। देख सकते हैं ये मेरी वीडियो आ गई है। अब मैं ऐसे करता हूँ अपनी वीडियो एडिट। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब का बटन दबा देना। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।